प्रैक्टिस हैं, हम एजुकेशन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और इनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं चेंजेस के बारे में। मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि चेंज क्यों आया, तो अगर आप उनको लॉजिक समझा दें कि यार ये चेंज इसलिए आया है कि इसका ये फ़ायदा होगा, ये होगा, ये होगा, तो फिर वो रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे कि लोगों को बता दिया जाए कि यार देखें, अगर ऑनलाइन होगा तो जो काम करेगा उसको उसको परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, और जो लोग नहीं काम कर रहे उनका नुकसान, उनको पकड़े जाएंगे, तो इससे सबको फायदा होगा, तो शायद फिर वो लोग एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको प्रॉपरली एजुकेट करें जिन पे चेंज इम्प्लीमेंट करना है, और उनको कम्युनिकेट करें, समझाएं कि भाई ये चेंज क्यों, कब और कैसे लाया जाएगा। पॉसिबल हो तो पार्टिसिपेट भी करवाएं चेंजिंग के प्रोसेस में, ठीक है ना। जब आप चेंज ला रहे हो तो उनसे इनपुट ले लें चेंज लाने से पहले, तो डिसीजन मेकिंग से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को चेंज कर रही है, अपडेट कर रही है, तो वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से इनपुट ले सकती है कि जी हम ये सिस्टम लाना चाह रहे हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। तो जब लोग अपनी राय दे देते हैं तो फिर उनको लगता है कि अच्छा यार ये चेंज तो हमारी मर्जी से आया, हमने ये राय दी थी, ये हुआ, तो किसी हद तक फिर वो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो उसको ओन ला सकते हैं। हमने कहा जी एक ये तरीका कार होता है कि हम एजुकेशन एजुकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं इसके अंदर, चेंज के अंदर। बिल्डिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट, जब चेंज लाया जाए तो उनको जो सपोर्ट करें, जिन उनकी काउंसलिंग करें, उनकी थेरेपी करें, उनको ट्रेन करें, उनको समझाएं, ताकि अच्छा कोई मसला नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही, हम आपके साथ हम आपको गाइड करेंगे, मेंटोरिंग करेंगे, कोचिंग करेंगे। तो उससे होता है कि यार वो जो फियर होता है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है। मिसाल अभी ऑनलाइन सिस्टम था, तो हमें एजुकेट किया जाए कि यार टीचर्स को एजुकेट करें जिन जिनको प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है कि वो उनको थोड़ा आसानी हो जाती है, इस चीज़ से ये फायदा हो जाता है। सो सपोर्ट एंड कमिटमेंट। फिर इम्पोर्टेंट एक और बात ये है, वो ये है कि इम्प्लीमेंट चेंज फेयरली, जो चेंज आ रहा है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें फेयरली। यानी ये नहीं कि अब बायोमेट्रिक तो हमने लगा दिया, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो बायोमेट्रिक कर रहे हैं, लेकिन जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो अपनी मर्जी से 10-11 बजे आ रहे हैं, और उनका बायोमेट्रिक हो ना हो कोई मसला नहीं है। उससे क्या होता है, फिर लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, अच्छा ये कानून हमारे लिए है खाली, औरों के लिए नहीं है, तो फिर ये क्या होता है, फिर वो रेजिस्ट करेंगे। तो अगर आप चेंज को की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, काबू करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें, चेंज जो ला रहे हैं उसको फेयरली यानी सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और सबको किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। एक चीज़ और होती है, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन एंड कोप्टेशन। इसका मकसद मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आप चेंज को, या जो आप चेंज ला रहे हैं इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, थोड़ा उनकी ब्राइट साइड लोगों को दिखा सकते हैं, ताकि लोगों का आपको कोऑपरेशन मिल जाए थोड़ा सा, कि यार बस देखें ये होगा तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यानी ब्राइट साइड जो चेंज किया है वो ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, तो उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं चेंज की तरफ। तो वो एक तरीका ये भी यूज़ किया जा सकता है। सेलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज, दो वो लोग जो के देखें, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सदा के नाहंजार और नालायक किस्म के लोग होते हैं, और वो बस कहते हैं कि हमें तनख्वाह मिले और हम काम ना करें। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, यंग होते हैं, डायनामिक होते हैं, वो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चेंज के लिए सेलेक्ट करें, तो वो उन पे जब इम्प्लीमेंट होगा तो ऐसा ऐसा फिर दूसरे लोगों पे भी इम्प्लीमेंट, तो ऐसे लोग हायर करें हु इंजॉय द चेंज इन द फर्स्ट प्लेस। लाइक जो जिनके अंदर थोड़ा ऑलरेडी जिनकी तबीयत में चेंज है, जो डायनामिक हैं, जो नए नए चैलेंजेस लेना चाहते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो लोग जो 25-30 साल से एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, वो सीट भी नीचे से घिस गई है और वो भी घिस गए हैं, तो उन लोगों को पे चेंज इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो नहीं आते चेंज। तो आप ऐसी कोशिश करें कि ऐसे लोग ही हायर करें और उनके ऊपर चेंज इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है फोर्स, जिसे कहते हैं सादा तरीक़ों में डंडे के ज़ोर पे चेंज को इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यहीं से स्टार्ट करते हैं ये, बाकी इतनी टेंशन लेने की कोशिश नहीं करते। तो असल तरीका जो है कि आप उन्हें एजुकेट करें, उन्हें कम्युनिकेट करें, उन्हें उनसे उनसे पार्टिसिपेट करवाएं, उनको सपोर्ट करें ताकि उनकी कमिटमेंट मिले, फिर चेंज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, चेंज का ब्राइटर साइड एक्सप्लेन करें, अच्छे लोगों को लेकर आएं, इस तरह से चेंज को काबू किया जाता है। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर फोर्स को यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ बस सीधा डंडा आ जाता है, सुबह ईमेल आ जाती है, आज से ये होगा, बस
आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह से होता है। तो बहरहाल ये एक लास्ट ऑप्शन है कोएर्शन, यानी ताकत के जरिए कि बस रूल है जी आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, आज से 9 बजे आएंगे और 6 बजे जाएंगे बस। अब ये नहीं बता रहे कि क्यों क्या हुआ किस लिए किस वजह से ना, बस इंक्रीमेंट नहीं लगा, बस नहीं लगा क्यों, बस कोई पता नहीं। तो कहने का मकसद ये कि ये लास्ट ऑप्शन होता है जबकि हमारे यहाँ यही है। तो बहरहाल ये भी एक तरीका है चेंज को, रेजिस्टेंस को किसी हद तक काबू करने का।